भारतीय रेलवे की बेहद आधुनिक और दिलकश ट्रेन T18 लगभग बनके तैयार है और बहुत जल्द पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन कैसी दिखेगी T18, कैसा होगा उसका कोच, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं चेन्नई में। और ये है इसकी पहली झलक, T18 की पहली झलक आप देख रहे हैं जी मीडिया पे। इसका ये कोच आप यहाँ पर देख रहे हैं और जैसा कि कोच देख के आपको लग रहा है ये शताब्दी से काफ़ी अलग है। इसकी जो विंडोज़ हैं जो बाहर ये काफ़ी चौड़ी हैं और सीधी रेखा में है, यानी कि बीच में पार्टीशन नहीं नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि इससे आपको अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो बाहर देखने का जो नज़ारा होगा काफ़ी बेहतर होगा। चौड़े विंडो यहां पर दिए गए हैं। यही नहीं, कोचेस जो हैं इसका जो कलर कॉम्बिनेशन होगा, जो विनाइल रैपिंग होगी वो भी काफ़ी अलग होगी, खास होगी, जिसके चलते T18 अपने आप में जो मौजूदा भारतीय रेलवे की ट्रेनें हैं उनसे काफ़ी अलग और ख़ास नज़र आएगी। ट्रेन सेट T18 का इंटीरियर भी बेहद खास रहने वाला है। T18 का ये कोच है अभी जो बनकर आधा तैयार हो चुका है और फिनिशिंग लाइन पर है, लेकिन क्या कुछ खास रहेगा इसमें जब आप यात्रा करेंगे। तो इस कोच में हम चलते हैं, अगर आप देखें तो ये एक कोच इस वक्त आप जो देख पा रहे हैं, दाखिल होंगे तो यहाँ पर ये स्लाइडिंग डोर है और स्लाइडिंग डोर के इधर जो जितना खाली पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर पेंट्री के लिए व्यवस्था की जाएगी ताकि ट्रेन पर आपको बेहतर और हाइजीनिक खाना दिया जा सके। ये ऑटोमेटिक डोर रहेगा और जिसके ये अपने आप स्लाइड होगा, जब भी आप इसके नज़दीक पहुंचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्लाइड हो जाएगा और ताकि आपको उसमें धक्का देने की या फिर इस पर ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोच के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक मैसिव, एक बड़े कोच का फील आएगा, बड़ी विंडोज़ यहाँ पर आपको नज़र आएंगी ताकि आप बाहर आसानी से देख सकें। सामान रखने के लिए जो ये शेल्फ यहाँ पर दिया गया है ये भी काफ़ी इसमें सुधार किया गया है, बेहतर बनाया गया है। इस पर जो लाइट दी गई है रीडिंग लाइट, वो भी किसी एरोप्लेन के जो रीडिंग लाइट है उसके हिसाब से दी गई है। डिफ्यूजिंग लाइट यहाँ पे दी जाएगी, यानी कि जब आप यात्रा कर रहे होंगे रात के समय उस लाइट का जो है उसको जितना उसकी इंटेंसिटी घटानी है बढ़ानी है वैसा किया जा सकता है। पूरी चेयर कार ये होगी, इसमें हर उस पहलू पे ध्यान दिया गया है ताकि आपकी यात्रा अनुभव को बेहतर बनाया जाए। यही नहीं, यहाँ पर इस कोच में यात्रियों के पास सही सटीक इन्फॉर्मेशन सूचना पहुंचे उसके लिए पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम रियल टाइम GPS पे आधारित होगा, जो यात्री को बताएगा कि ट्रेन किस गति पर है, किस स्टेशन पे पहुंचने वाली है और किस कोच पे आप मौजूद हैं। इस तरीके की तमाम जानकारी उनको कोच के भीतर बेहद आसान तरीके से मिल पाएगी। T18 में वाईफाई की सुविधा भी रहेगी, आप लगातार इंफोटेनमेंट का भी लाभ इसमें ले सकते हैं। पेंट्री में भी सुधार है। यही नहीं, टॉयलेट जिसको लेकर सबसे ज़्यादा शिकायतें रहती हैं उसमें भी वो बदलाव किए गए हैं ताकि वो उसमें अगर आप जाएं तो वो कंफर्टेबल हो और जो दुर्गंध जैसी जो समस्याएं हैं वो भी नहीं रहेंगी। और यही नहीं, दिव्यांगों के लिए भी एक खास इसमें अलग से प्रावधान ये किया गया है कि अगर आप व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं तो आप व्हीलचेयर सीधा कोच के अंदर ला सकते हैं, आप चाहें तो उसी व्हीलचेयर पे बैठ के यात्रा कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग से जगह दी जाएगी। और अगर आप चाहें तो आप चेयर कार का भी लाभ यहाँ पे ले सकते हैं। तो तमाम वो पहलू हों, चाहे वो यात्री सुविधा हो, सुरक्षा हो, टॉयलेट हो, उसमें तमाम वो सुधार किए गए हैं, नई बातें जोड़ी गई हैं ताकि यात्रा अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। और साथ ही जो भविष्य की ओर झांकने की जो बात, जो दम लगातार भारतीय रेलवे कर रहा है उसमें T18 को खरा उतारा जा सके। ट्रेन सेट T18 में भारतीय रेलवे को अपने सुनहरे भविष्य की तस्वीर नजर आ रही है। यही वजह है कि यात्री सुविधाओं से लेकर सुरक्षा तक तमाम पहलुओं के मानक 10 कदम ऊपर रखे गए हैं। लक्ष्य साफ है कि इस ट्रेन के पटरी पर दौड़ते ही भारतीय रेलवे और साथ में रेल मुसाफिरों के अच्छे दिन लाए जा सके। कैमरामैन कुलदीप के साथ समीर दीक्षित, चेन्नई, जी मीडिया।